एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर अपडेट ऑफ मास महाराजा रवि तेजा। मैंने कल आपको बताया था मास महाराजा अपना पैन इंडिया प्ोजेक्ट जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं और ये बात सच निकल चुकी है, यानी कि 71 RT71 का जो टाइटल अनाउंसमेंट था आज 12:06 पर इसका टाइटल अनाउंसमेंट आ चुका है और तगड़ा वाला पोस्टर के साथ बता दिया है द टाइगर नागेश्वर राव, यानी कि उनका जो कैरेक्टर है वो रवि तेजा निभाने वाले हैं। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि पोस्टर के नीचे पांचों लैंग्वेजेस का जो टाइटल लिखा गया है ना, तबाही मचाने वाला है ये फिल्म, क्योंकि तमिल, तेलुगू, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ा पांचों के पांचों लैंग्वेजेस में ये रिलीज़ होगा और पैन इंडिया पहला प्रोजेक्ट है मास महाराजा रवि तेजा का। सो अगर पोस्टर को देखें तो पोस्टर एकदम धमाकेदार है और एक तरफ से ट्रेन आ रहा है, दूसरी तरफ कोई गाँव का लोकेशन है, नीचे उनका पैर का जो निशान होता है वहाँ है, वो चल के जा रहे हैं। जिस तरह से दिखाया गया ये एक ट्रेडिशनल लुक उनका होने वाला है, जैसे पहले के ज़माने में मुखिया होते थे उस टाइप का कुछ कैरेक्टर आई थिंक होगा, क्योंकि उनके पैर से लग रहा है। और रवि तेजा तो काफ़ी अच्छी तरह से रोल करते हैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छा होता है। और हाल ही में क्रैक का जो अनाउंसमेंट हुआ था और क्रैक ने जिस तरह से तबाही मचाई थी बॉक्स ऑफिस पर, उनके करियर का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये हुआ था, क्योंकि क्रैक जो था वो बहुत अच्छा पैसा कमाया था बॉक्स ऑफिस पर। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि चार प्रोजेक्ट में से कोई ना कोई एक जो है पैन इंडिया रिलीज़ होगा और ऑफिशियली आज कंफर्म कर दिया गया है कि द टाइगर नागेश्वर राव जो फिल्म है वो ऑफिशियली पैन इंडिया रिलीज़ होगी। सो फ्रेंड्स, आप मास महाराजा की जो अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है द टाइगर नागेश्वर राव को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक तगड़ा वाला अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।